Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, in the last class I taught you the narration about interrogative and question words. How to change the sentences from direct to indirect of interrogative and question words. Okay friends, today I will teach you the imperative sentences. How to change the imperative sentence in narration from direct to indirect. Okay friends, so let's start the class of the day. इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बेसिक में वीडियो डाला था इंपरेटिव सेंटेंस का, और आपको अच्छी तरह से पता होगा और याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है. इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं, प्रेस आते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नरेशन में जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे उसमें आएगा ऑर्डर, आस्क, टेल, एडवाइज्ड, कमांड एंड कमांड. ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. Sit here, please. Yes, please. Thank you. Hello, I'm Surekha. Hello, I'm Preeti. Nice to meet you. What do you do, Miss Preeti? I'm practicing law. That's very nice. And you? I'm software engineer. So, where are you from? I'm basically from Kolkata, but I'm in Delhi now from last 8 years. Such a long time. Yes, and you? I am born and brought up in Delhi only. Okay, I should leave now. I have to go somewhere. See you again. Thank you. Bye. Bye. Friends, शुरू करते हैं. मैंने पहले से sentences लिख कर रखा हुआ है ताकि देर ना हो. Imperative sentences, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गो देयर, प्लीज गिव मी अ पेन, दिस ऑल आर द इंपरेटिव सेंटेंसेस. नाउ आई विल टीच यू अबाउट हाउ टू चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द डायरेक्ट सेंटेंस. ही सेड टू मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. तो इसमें चेंज करते वक्त सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें इन्वर्टेड कमा हटाने के बाद, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद टू का इस्तेमाल करना है, इसमें और किसी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो बनाते हुए हम समझते हैं. ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ही, उसने क्या किया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. उसने क्या किया, ऑर्डर दिया है. अगर रिक्वेस्ट करता तो प्लीज होता. ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटेंस को समझ कर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये सब लगाना है. तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि एक ग्लास पानी लाओ. दिस इज द ऑर्डर, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे. He ordered me. उसके बाद इन्वर्टेड कमा हटा कर हम टू लगा देंगे, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. सिंपल है फ्रेंड्स, इसके चेंजिंग में कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. सिर्फ टू लगाना है और सेंटेंस जैसा कि तैसा लिख देना है. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना आपको कि अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर लिखना है, अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्ट लिखना है, अगर एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस लिखना है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर कमांड किया जा रहा है तो कमांड लिखना है. ही सेड टू मी डोंट गो देयर. तो यहाँ पर क्या है, डोंट गो देयर, ये ऑर्डर हो सकता है. उसने मुझसे कहा कि वहाँ मत जाओ, ये ऑर्डर भी हो सकता है. या हम यहाँ पर सिर्फ ही टोल्ड मी भी लिख सकते हैं. ही टोल्ड मी Do not to go there. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं और टोल भी लिख सकते हैं. He ordered me to, फिर यहाँ पर not यहाँ पर लिखेंगे हम, don't हटा देंगे, not to go there. ये नेगेटिव वाले आप ध्यान देना जरा. He ordered me to not to go there. ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा सेंटेंस, Ram said to Mohan, please give me a pen. तो राम मोहन से कहता है कि कृपया मुझे एक पेन दो, दीजिए. तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट है. यहाँ पर हम इसलिए रिक्वेस्ट लिखेंगे, राम रिक्वेस्टेड
मोहन, यहां पर टू गिव। अब यहां पर पर्सन जो है उसको चेंज करना है, तो गिव मी, गिव मी मतलब किससे करता है, राम मोहन से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहां पर थर्ड पर्सन है, दोनों जगह पे थर्ड पर्सन ही है, तो यहां पर थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, गिव हिम अ पेन। द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, तो ये क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर किसी को भी, किसी भी मरीज को और किसी से भी अगर दवाई लेने के लिए बोल रहा है कि टाइम पर दवा लो, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एडवाइस लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आई सेड टू माई सर्वेंट गो टू मार्केट, ये क्या हो सकता है आपके नज़रिए से, ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, या क्या ऑर्डर ही होगा ना, मैं अपने नौकर से बोलता हूँ तो ऑर्डर ही दूंगा कि बाजार जाओ, दिस इज ऑर्डर, तो यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू गो टू मार्केट, ठीक है फ्रेंड्स। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, द टीचर बोलता है, ये बोल सकता है, द टीचर टोल्ड द बॉयज, यहां पर हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर भी चलेगा और टोल्ड भी चलेगा, टोल्ड बॉयज टू नॉट टू मेक अ नॉइज, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि टू के बाद नॉट आएगा और फिर से टू आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, टू नॉट टू आएगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का क्लास, और इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर ऑर्डर और एडवाइस लिखेंगे, और उसके बाद टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कमा हटाकर टू लगाएंगे, और फिर सेंटेंस को जैसा कहते हैं लिख देंगे। और नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में टू के बाद नॉट आएगा और फिर से टू आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।